संस्कृत दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी का अध्ययन सही से चल रहा होगा और हमने जो पुरानी वीडियो बना रखी है उनसे लाभ मिल रहा होगा। आगे की वीडियो हम कब बना पाते हैं ये कोई निश्चित नहीं है, लेकिन जब भी बनाएंगे शुरू करेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। बीच बीच में हम कुछ पुराने जो प्रश्न पत्र हैं उनको देख लेते हैं। ये 1997 में हुआ था, द्वितीय प्रश्न पत्र है ये। मैं पहले बता चुका हूँ कि पहले 3 प्रश्न पत्र हुआ करते थे, द्वितीय संस्कृत का हुआ करता था, प्रथम सामान्य अध्ययन का हुआ करता था और तृतीय निबंधात्मक हुआ करता था। इसलिए यहाँ पर केवल हम बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, देखते चलेंगे, एक एक प्रश्न को बड़े अच्छे समझाने का प्रयास करूंगा और आशा करूंगा कि आपको भी बड़े अच्छे समझ में जाए। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न पूछ रहा है कि ऋग्वेद का दूसरा नाम क्या है। तो हम ऋग्वेद जानते हैं, दूसरा नाम देख लेते हैं, श्रोतवेद है नहीं, क्योंकि श्रोतवेद से संबंधित कोई भी ऐसी चर्चा कहीं भी नहीं मिली। श्रुति शब्द अवश्य मिलता है और श्रुति शब्द वो वेदों के लिए, उपनिषदों के लिए और ब्राह्मण के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। त्रय में तीनों वेद आ जाते हैं तो ये दोनों अपने आप से कैंसिल हो गए, खत्म हो गए। गान वेद भी कहीं कोई शब्द नहीं होता। हाँ, संगीत के लिए, सामवेद के लिए थोड़ा सा संगीत का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन गान वेद शब्द नहीं देखा मैंने, सुना हो सकता है आपने सुना हो, देखा हो। तो गान वेद अगर होगा भी कभी सामवेद के लिए प्रयोग होगा, ऋग्वेद के लिए प्रयोग नहीं होगा। तो अगर चारों विकल्प में से अगर ये विकल्प आता भी नहीं है और तीन और आते हैं तो भी आप इसका उत्तर सही दे देंगे, तो उत्तर हो जाएगा डी, दशतई। स्रोत मैंने बताया है कि इस पर लगे हुए स्रोत आप इसमें अध्ययन कर सकते हैं। संस्कृत साहित्य कर्ता कुमार शंकर शर्मा ऋषि, ठीक है। बहुत जल्दी जल्दी समझाने का प्रयास करूंगा, जहाँ समझाने का होगा थोड़ा सा समझा दूंगा, अन्य दृष्टि में इसको समझाने को चाहिए नहीं, आप सब जानते हैं। वेद इन्हें कहते हैं, वेद किन्हें कहते हैं तो हम जानते हैं। मैंने अर्थ संग्रह का शायद अध्ययन कराया होगा तो आपको बताया होगा, वहाँ जो वेद शब्द का प्रयोग किया गया है वो मंत्र और ब्राह्मण दोनों के लिए प्रयोग किया गया, लेकिन उसमें गलती होगी थोड़ी सी। ब्राह्मण शब्द को लेकर के पूरा अर्थ संग्रह प्रयोग किया गया है, ठीक है, लेकिन वेद जो शब्द है मंत्र और ब्राह्मण दोनों के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक। पुराणी देवी जो शब्द है, अगर आपने सूक्तों का अध्ययन किया होगा तो आपको अध्ययन में प्रयोग किया गया है उषा सूक्त में, उसमें बीच में पुराणी देवी शब्द के लिए इनके लिए प्रयोग किया गया है, ठीक है। तीसरे का भी हो जाएगा। पृथ्वी, पृथ्वी शब्द जब दिया जाए उसकी पूजा समझे तो पृथ्वी सूक्त में चले जाइएगा, और पृथ्वी सूक्त हमको पता है अथर्ववेद का है, इसलिए इसकी पूजा किसमें है कहीं मत जाइए, सीधे से अथर्ववेद का उपयोग हो जाएगा। जल की उत्पत्ति का सिद्धांत किसमें है, नासदीय सूक्त में, नासदासी नासदासी नासद था ना असद था, यहाँ से शुरू होता है नासदीय सूक्त, और इसमें जल से संबंधित उत्पत्ति के बारे में चर्चा की। उमा हेमवती कथा किस उपनिषद में, देखिए उपनिषदों का अध्ययन जरूरी है करना, थोड़ा बहुत पढ़ लिया करें, एक दो बात कह रहेंगे कथा की तरह समझ आ जाएगा। तो ये कैन उपनिषद में है, और ये कब कैसे पता चलेगा हमको, कैन उपनिषद में जब इन किसी चीज को जीत जाते हैं तो अपनी बढ़ाई करने लगते हैं, तो ब्रह्म आकर के उनकी परीक्षा लेता है और वायु अग्नि उनके पास जाते हैं, लेकिन वो ब्रह्म को नहीं जान पाते। फिर इंद्र को भेजा जाता है, जाओ इंद्र आप ही देख के आओगे ब्रह्म कौन है। इतने में ब्रह्म लुप्त हो जाता है, और लुप्त होने पर उसको उनको इंद्र को रास्ते में एक कन्या मिलती है, उसी कन्या का नाम उमा हेमवती है, वो किसमें है केन उपनिषद में, ठीक है। इस तरह से उसमें अध्ययन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। वैदिक व्याकरण के पाश्चात आधुनिक लेखक हैं, ये आधुनिक के लिए साफ संस्कृत वाङ्मय का बृहद इतिहास है, ये इसको जरूर पढ़ें, रटनी है, ये रटनी वाली चीज समझानी कुछ नहीं है इसमें। लुई रेनु पेप्लाद शाखा, ये मैंने बड़े अच्छे समझाया, आप जाकर के मेरे चैनल में देख सकते हैं, शाखाएं सारी बता दी हैं। अथर्वी से आठवीं कवि, पंच महायज्ञों का वर्णन किसमें है, तैतृ आरण्यक में है, नवे कवि। शब्द अनेक धातुओं से बनते हैं, निरुक्त का मैंने बहुत अच्छे से अध्ययन कराया है, और हो सकता है मैंने उसमें समझाया भी गया बताया भी हो समझाया भी हो कि किस तरह से कैसे किन किस ने क्या विचार दिए हैं। तो यहाँ शार्क टाइम का यहाँ आप उत्तर मान लीजिए, दसवीं का ये हो जाएगा।
ऋग्वेद के पारिवारिक मंडल का देखिए अध्ययन किसने किया गया है, पारिवारिक मंडल किसे कहा जाता है ऋग्वेद में, तो ये 2 से लेकर 7 तक जो है वो पारिवारिक मंडल के अंतर्गत आता है। यह द्विलोक का देवता, देखिए द्विलोक से संबंधित थोड़ी सी बातें बता दूं, ये पृथ्वी लोक और अंतरिक्ष लोक से संबंधित हो सकता है, द्विलोक हो सकता है, पृथ्वी अंतरिक्ष और अंतरिक्ष से ऊपर का लोक द्विलोक कहलाता हूँ, लेकिन मेरी जो समझ है, मैं अपनी समझ से बता रहा हूँ कि जो अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष और पृथ्वी इन दोनों के बीच का स्थान को आप द्विलोक के अंतर्गत मान सकते हैं, क्योंकि वहीं सारी सुविधाएं, वर्षा होना, आंधी तूफान, बारिश, बिजली चमकना, दीव मतलब चमकने संबंधित हो सकता है, जहाँ चमक वगैरह होती हो और सूर्य का प्रकाश भी यही ज्यादा दिखाई पड़ता है, तो इस क्षेत्र को आप मान सकते हैं द्विलोक, पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच में, ठीक है। तो इसमें वर्ण है, अगर दूसरा होते तो सूर्य भी द्विलोक के अंतर्गत ही आते हैं, ये सब ये पृथ्वी पृथ्वी के देवता माने जाते हैं दोनों, ठीक है, इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। तो द्विलोक देवता वर्ण हो गए। सत्कार्यवाद बड़े अच्छे समझाए, शांत कर समझा कर अध्ययन करें, कारण अभाववाद सब दिया गया है सत्कार्यवाद में। थोड़ी सी समस्या रहती है टेक्नोलॉजी का अभाव होने के कारण, मेरे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि मैं टेक्नोलॉजी को बड़े अच्छे से बढ़ा सकूं, जितनी है उससे मैं कोशिश करता हूँ। 14 शांत दर्शन में तन्मात्रा का मूल है, शांत दर्शन में तन्मात्रा का मूल, तन्मात्रा मतलब अभी शांत दर्शन के बारे में जब भी वीडियो बनाई है तो इनके सारे ढांचे को बताया है कि मैं तत्व का स्वरूप तत्व होते हैं, उससे अहंकार होते हैं, तन्मात्रा अंक होते हैं, तन्मात्रा से उत्पत्ति होती है, फिर उसकी ज्ञान इंद्रियां परम इंद्रियां उत्पत्ति होती है, इस तरह से पूरा डिटेल में समझाया। अब जाकर अध्ययन करें तो पता चलेगा कि अहंकार ही तन्मात्राओं का मूल, अर्थात अहंकार से तन्मात्रा का जन्म होता है। शांत मतानुसार कार्य है सत, ठीक है ना, सत्कार बाद में ये बड़े अच्छे से समझाया, आप जाकर अध्ययन कर सकते हैं। शांत कार्य का अच्छी हम जानते हैं, ईश्वर प्रसन्न है, इसमें आत्मा प्रधान होती नहीं। वेदांत एक अनुबंध, अनुबंध चतुष्टय के अंतर्गत वेदांत में मैं बड़े विस्तृत में समझाया है, अधिकारी संबंध प्रयोजन विषय, ये चार होती हैं, इसमें संबंध दे रखा है और कहीं भी कुछ नहीं दे रखा, अनुबंध चतुष्टय में जाकर अध्ययन करेंगे वेदांत का, तो उसमें कुछ ही नहीं जाएगी। जीव को बंधन में डालने वाली शक्ति क्या है, देखिए माया की जो शक्तियाँ हैं वो है आवरण विक्षेप, तो आवरण शक्ति जो है वो आदमी को बंधन में डाल देती है, विक्षेप से सृष्टि का निर्माण हो जाता है, और विवर्त जो है वो सारी सृष्टि का निर्माण करता है, विवर्त के कारण होगा, ये पूरा सिद्धांत दिया ही कभी अध्ययन कर अध्ययन कराया, उसमें जाकर के आप अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, वेदांत के अनुसार मन का स्वरूप क्या है, वेदांत के अनुसार ही लगभग सभी के अनुसार संकल्प देता है इसका स्वरूप है, रज्जु में सर्व का ज्ञान कहलाता है, ये आ गया। देखिए जब भी कोई चीज होती है, मैं इसमें विस्तृत नहीं जा रहा, छोड़िए, जब भी एक चीज में दूसरी चीज दिखाई पड़ने लग जाए तो वो कहलाता है विवर्तवाद, इसी चीज को लेकर के पूरा वेदांत चला है। जैसे स्वर्ण है, स्वर्ण मूल रूप में स्वर्ण दिखाई देगा, लेकिन जिसका अगर आप हार बना लेंगे तो लोगों को स्वर्ण कम दिखाई देगा, हार ज्यादा दिखाई देगा, बहुत सुंदर हार है, कितने का बना हार, स्वर्ण की कोई मतलब नहीं है, कितने का क्या है, कितना कुछ नहीं है, कोई मतलब नहीं था, स्वर्ण खत्म, हार सुंदर, कुंडल कानों के कुंडल जो होते हैं वो भी अब सोने के होते हैं, लेकिन वो सुंदरता के कारण स्वर्ण छुप जाता है और कुंडल कुंडल नजर आते हैं। ऐसे ही ब्रह्म जो है, रज्जु जो है विवर्त हुआ सर्व का, क्योंकि रज्जु ने अपना रूप चेंज कर लिया और लोगों का दिखाई देना सामने, ऐसे ही ब्रह्म पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्म ही ब्रह्म है, हम तुम सब ब्रह्म के रूप है, दुनिया में जो कुछ भी दिखाई पड़ता है वो सब ब्रह्म है, बस उसका परिवर्तित रूप है, जैसे सोने के परिवर्तित रूप कुंडल है, हार है, लौंग है, पगड़ी है, तगड़ी है, जो भी बनाना चाहो, कंगन है, सब कुछ उसका परिवर्तित रूप क्या है, सोना है, सोने का परिवर्तित रूप है। सोने को अगर ब्रह्म मान लें तो ये, और आभूषण को हम या संसार मान लें तो ये विवर्त के कारण ही दिखाई पड़ता है। ऐसे ही ब्रह्म सत्य है और ब्रह्म ही के कारण ये पूरा जगत हमको दिखाई पड़ता है, किस कारण, विवर्त के कारण। तो रज्जु में सर्व किसके का ज्ञान है, वो विवर्त का ज्ञान है, इस तरह से छोटे रूप में बड़ी चीजें बता दी, उदाहरण है ये, आप उदाहरण से समझ लीजिए। न्याय वैशिष्ट्य में सुवर्ण क्या है,
तर्क संग्रह बड़े अच्छे समझाया तेजस्वी पैसा, ठीक है। अब जाके अध्ययन करिए, मैं बहुत जल्दी समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे समझाना खराब ना हो। न्याय मत अनुसार समवाय कारण है विशेष, तर्क भाषा में समझाया गया है, जाकर के अध्ययन करिए तो समझ में आ जाएगा। उपमान प्रमाण, प्रमाण मानते हैं प्रत्यक्ष होता है, अनुमान होता है, उसके बाद में एक शब्द प्रमाण होता है, उसके बाद में उपमान प्रमाण होता है। उपमान प्रमाण वो होता है जैसे नील गाय को देख करके गाय से उसको ध्यान कर लेना कि गाय जैसी ही ऐसी ही नील गाय है, तो इसमें संज्ञा संगी संबंध हो गया, ठीक है। तो उपमान प्रमाण का ये हो गया। शब्दत्व तो प्रत्यय लगा हुआ है, यानी कि उसका गुण से संबंधित है, समवेत लग जाएगा इसमें हमेशा, और शब्द आ जाएगा तो समवाय हो जाएगा, तो समवेत समवाय इसका शब्द चला जाएगा। संज्ञा प्रकरण बहुत विस्तृत में समझाया है, जाकर संज्ञा प्रकरण पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि देखिए पति नरपति और हरि, हरि की तरह ही पति के रूप जानते हैं, अलग चलते हैं, लेकिन पति के साथ में कोई दूसरा शब्द भी अगर जुड़ जाता है, अर्थात ये समाज के साथ प्रयोग होता है पति शब्द, तो उसके रूप हरि की तरह चलते हैं, अर्थात ये तीनों एक जैसे हो गए। एक जैसे हो गए तो घी संज्ञक हो गए, क्योंकि घी संज्ञक नहीं पूछा है इसमें, एक जैसे होगा जिस चीज बात है या तो सभी रीजनों होंगे या कोई नहीं होगा, तो नहीं पूछा तो एक ही पूछा होगा, तो ये सब भी संज्ञक हो गए और सभी जो बचा वो घी संज्ञक नहीं, ठीक है। प्रातपद, प्रातपद का मतलब होता है मूल, मूल शब्द, लेकिन अधातु गच्छति मूल शब्द नहीं है, जस मूल शब्द है लेकिन धातु है, इसलिए नहीं रहेगा। वनम मूल शब्द नहीं है, क्योंकि वन इसका मूल शब्द है, वन से वन बना है, द्वितीय का ही वचन है, अट प्रत्यय लगा है, सुख और जस अट, अट प्रत्यय लगने से वन बना, अहन मूल शब्द है और यही प्रातपदिक के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। अर्थयुक्त होना चाहिए और मूल होना चाहिए, ये इसका मूल मेन चीज है। हेतु मैंने कार्यकरण बड़ा समझाया, अध्ययन वसती जाकर के अध्ययन करेंगे तो 70% भाग नेट जीआर का आपका मेरी साधारण से यूट्यूब चैनल के माध्यम से हो जाएगा, कहीं कोई ट्यूशन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पढ़ने के लिए समय चाहिए। इसमें शुद्ध रूप है व्याकरण अधीति बड़े बचताओं के, बहुत अच्छे समझाया है मैंने, विशाल जी ये सूर्य धातु हैं, इनमें जाकर के दीर्घ गलत हो गया, आपका अधिकम चा ये वाला सूत्र लगता है और 29वें का ये हो गया, ठीक है। तीसवा देखिए प्रश्न क्या कहता है, तीसवा प्रश्न है इसमें सवर्ण संज्ञा है, देखिए तुल्यास प्रतन सवर्ण, मैंने सूत्र बड़े विस्तृत में समझाया है, इसमें केवल हम इतना पढ़ लेंगे तुल्यास प्रतन सवर्ण तो समस्या हो जाएगी, तालु आदि की जो स्थान से वर्ण बोले जाते हैं उनकी सवर्ण संज्ञा होती है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ई और शा इची शाम तालु ये दोनों एक जगह से बोले जाते हैं, तो क्या इनकी भी सवर्ण संज्ञा हो जाएगी, अकहु विसर्जनीयम कंठा तो इनकी भी सवर्ण संज्ञा हो जाएगी, लिर तुल दंतानाम मृदुल साम दंता ये भी दांत ये भी एक जगह से बोले जा रहे हैं, तो इनकी भी सवर्ण संज्ञा हो जाएगी, नहीं। आगे सूत्र आता है ना झल, ना झल का मतलब ना अच और हल, यानी अच और हल की कभी भी सवर्ण संज्ञा नहीं होती है, अर्थात केवल स्वर और स्वर की ही सवर्ण संज्ञा होती है। जाएंगे संज्ञा प्रकरण में तो ये बहुत विस्तृत समझाया है, जाकर करेंगे समझा जाएगा। तो यहाँ पर स्वर व्यंजन स्वर व्यंजन स्वर व्यंजन, इसलिए इनकी सवर्ण संज्ञा नहीं होगी, केवल लिंग की होगी, अकु विसर्जनीयम कंठा, क्योंकि आ और उ दोनों स्वर हैं, इसलिए इन दोनों की सवर्ण संज्ञा हो जाए, ठीक है। रूपस्य योग्यम अनुरूप, मैंने बहुत विस्तृत समझाया है, जाकर के आप अध्ययन करेंगे, अनुरूपम शब्द है इसका, रूपस्य योग्यम अनुरूपम अभिवाह समास है, द्वियुग्नम अभिवाह समास है नदी बीच सूत्र के द्वारा, द्वियुग्नम सूत्र से बनता है, द्वियुग्नम भाषा विज्ञान को बहुत खत्म ही कर दिया मैंने, भाषा विज्ञान को छोड़ा ही नहीं है, जाकर के अध्ययन करिए। अयुगात्मक होगी चीनी भाषा, शतम वर्ग की भाषा आर्मेनी है, ठीक है ना। 34वां जो है आर्मेनी, आर्मेनी आर्मेनी, ठीक है। चलिए मध्यकालीन भारतीय भाषा, मध्यकालीन मराठी उड़िया तो आधुनिक हो गई, वैदिक संस्कृत पुरानी हो गई, तो सीधी सीधी देखिए
कॉमन सेंस पर आधारित होते हैं, कुछ थोड़ा धैर्य से काम करेंगे तो मध्यकालीन भारतीय आयुर्वासा तो महावीर स्वामी जी के समय की बात है। मालवी और अर्धमालवी उन्नीस सौ चलती थी, ठीक है। स्वराघात के कारण ध्वनि प्रबल, स्वराघात को माना है बर्नर ने, उसका अध्ययन करेंगे तो शायद मैंने उसमें समझाया हो। भाषा में वैसे थोड़ा नहीं, भाषा में कुछ भी मैंने थोड़ी बहुत चीज आएगी तो बताना, उसको वीडियो बना दूंगा। श्रेय अक्षात केवलम एति शांतिम, शांतिम शब्द लगा हुआ है, शांतिम शब्द से बुद्धि चैत्र में लगा दो, मेरे रूप में बुद्धि में कहाँ शांति है, मेरे रूप में रोने की सभा को काम नहीं, शिष्वार वध में मार काट से संबंध करा दो, जिन्होंने मार काट शांति बुद्धि चैत्र में बात करें, मेरे बुद्ध के बारे में चर्चा की गई। मैंने बताया कुछ चीजें तो कॉमन सेंस पर आधारित होती है, साधारण सी जानकारी रखिए। पत्र लेखा कादंबरी में नहीं है, कादंबरी पढ़ेंगे समझ में आ जाएगी। किस काव्य में एक पात्र के पांच रूप है, एक पात्र के नल जो होता है उसके पांच रूप हो जाते हैं, ठीक है ना, नैषित चरित्र में 39 का भी हो जाएगा, जब आपने अध्ययन किया होगा तो समझ में आ गया होगा। अब सारे गाने वैश्या का वर्णन मिचकट कम है, सारी वैश्या है उसमें, तीन चार जो नायक, दो तीन नायक कहानी है जो भी है, ठीक है। किस रूप में रथ परिवर्तन से कथा आगे चलती, रथ का जब परिवर्तन हो जाता है जो वैश्या होती है वो उसका रथ परिवर्तन होने से ही फिर कहानी आगे बढ़ती है, यही तो कहानी है पूरी मृक्षकटम की। शकारी प्राकृत भाषा से था, 14-15 भाषाओं को प्राकृत भाषाओं का उपयोग किया गया है, मृक्षकटम है इसका नाम पुस्तक का, आप जाकर के अध्ययन कर सकते हैं, देख सकते हैं। भारवे अर्थ गौरवम, माघे संति त्रियोगुणा उपमा कालिदास दंडिन पदलालित, यानी उपमा भारवी दंड ये तीन अलग अलग हैं, लेकिन माघ संति त्रियोगुणा माघ ने शिष्यपाद वर्ण लिखा है तो उसमें तीनों गुण है, उपमा भी है और भी है पदलालित भी चर्चा की, ठीक है। 43 का क्या हो गया, डी हो गया, बहुत जल्दी जल्दी बताने का प्रयास कर रहा हूँ और क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जिनमें लोग होशियार समझते हैं अपने आप को तो वो देखना भी पसंद नहीं करते, जो देखेंगे उनको लाभ भी मिलेगा और समय भी कम थोड़ा सा खर्च होगा। राजनीति पशपसा किस काव्य से है, देखो राजनीति की जो व्यवस्था की गई है वो शिष्यपाल वध में की है पूरी, वैसे शिष्यपाल वध में भी है, किरातक अर्जुनीय में भी है, लेकिन जो शब्द प्रयोग किया गया है वो शिष्यपाल वध से ही है। ईश्वरानुभाविता किस संबंध, देखिए इसके बारे में मैंने ज़्यादा अच्छे से अध्ययन नहीं किया है, लेकिन जो प्रयोग है वो ध्वनि से संबंधित है, इसका शायद दर्पण से है और इसमें कैसे बोला गया इसके बारे में चर्चा नहीं कर सकता क्योंकि इसका ज़्यादा विस्तृत अध्ययन नहीं किया मैंने। भाण, भाण में ज़्यादातर धूर्त लोग होते हैं तो धूर्त समागम लीजिए और एक अंक में होता है, ठीक है ना, ये रूपक का एक भाग है। रसा रस भाव में ही अंतर है, किसमें होता है, रसों का जो वर्णन होता है वो रूपकों में होता है, ठीक। तो 47 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। खंड का सब जानते हैं, मेघ होता है उत्तर में, पूर्व में, पूर्व में उत्तर में, सामान्य गुणों से ये प्रशांत होता है। व्यापी प्रासंगिक, व्यापी मतलब बहुत विस्तृत में क्या होता है, पताका, ठीक है। तो 50 का क्या हो जाएगा, 50 का हो जाएगा सी, पताका बहुत व्यापक हो जाता है। मैंने ये इसमें समझाया है, 10 रूपक में शायद समझा दिया है, नहीं समझाए तो आगे समझा देंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, और कुछ हो कमेंट तो कमेंट में आप लिख सकते हैं और मैं कुछ मित्रों के कमेंट के जवाब नहीं दे पाता हूँ तो उन सभी के लिए धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है सभी मित्रों का जो मुझे वीडियो बनाने पर बार बार विश कर देते हैं, वरना मैं यूट्यूब तो छोड़ चुका हूँ और फिर दोबारा से शायद जुड़ जाऊँ मैं जल्दी ही। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।